गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज सुबह के कितने बजे, 11:30 बस खाना बना लेती हूँ अभी, और खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। काफ़ी सारे काम है और कल से ना थकावट गई ही नहीं है मेरी, पता नहीं ऐसे एकदम सांसें फूल जा रही है। हो और हाँ, यहाँ का मेस अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, तो ये एक दिन लगेगा इसे क्लियर करने में, मतलब एक दिन और करूँगी, एक दिन नहीं पूरा लगने वाला है, एक दिन और करूँगी। यहाँ की ये जो मतलब क्या बोलते हैं, तो ये ग्लास की बर्निया है ये भी चेंज करनी है मुझे, मैंने दूसरी ऑर्डर कर दी है वो भी आने वाली होगी, तो उसके बाद मैं वो भी चेंज करूँगी, एक जैसी सारी लगा दूँगी और इसमें सारा कुछ भर के रख दूँगी। यहाँ का मेस क्लियर करना है, तो ये नहीं हुआ तो मेरा पूरा टाइम ट्रॉलीज क्लीन करने में ही गया, तो इस वजह से मैंने ये क्लीन नहीं किया। ये क्लीन करूँगी, आज करूँगी नहीं तो फिर कल करूँगी, एकदम से करने में मेरी सांस फूल जा रही है। ये सारा काम कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए हैं मेरे, ये और ये, क्योंकि मशीन से वॉश करने से ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद ये वाले ड्राई हो गए हैं कपड़े, तो निकाल लेती हूँ और सुखाने के लिए डाल देती हूँ। बारिश का मौसम है, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। ये सुखाने के लिए डाल देती हूँ। हवा कितनी तेज चल रही है, देखो मौसम कितना खराब हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। कपड़े डाल देती हूँ, ऐसे हवा से ही सूख जाएंगे ये। आज खाने में क्या क्या बनाया है वो बता देती हूँ आपको। रोटी है, सब्जी है, आलू की सब्जी पतली वाली और रस्से वाली, मतलब आलू को बॉईल करके जो रस्से वाली सब्जी बनाते हैं वो है। उसके बाद दाल चावल है और ये है मट्ठा जो हमारा सबका फेवरेट है। चलिए खाना खा लेती हूँ, आप भी आ जाइए खाना खाने। बस यहाँ पर जो भी बर्तन थे खाने के वो क्लीन कर ले रही हूँ। बस वो क्लीन हो जाने के बाद जो भी खाना बचा था लेफ्टओवर वो मैं निकाल के रख दूँगी। तो ये जो काम है सुबह के, जैसे खाना खाने के बाद के बर्तन और लेफ्टओवर निकालना, ये सब हो जाने के बाद फिर मेरे सुबह के जो काम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा था, जैसे कि अभी कितना भी कम करो ज़्यादा हो ही जाता है। यहाँ पर देखो ये सब्जी बची है इतनी, और उसके बाद चावल भी बचे हैं, दाल भी बची है, और उसके बाद रोटी भी बची है, तो बहुत सारा खाना बचा है। बस वो निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा रात को खाना कम बनाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, जब सुबह का खाना बच जाता है ना, तो उसके बाद फिर रात को थोड़ा सा खाना कम बनाना पड़ता है। थोड़ी सी सब्जी बनानी पड़ती है, थोड़ी सी रोटियां बनानी पड़ती है, और सुबह ही ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में, रात को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ डिफरेंट बनाओ तो ही टाइम लगता है, अदरवाइज ऐसी सिंपल सी सब्जी बनाओ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बहुत से लोग खाते नहीं है रात का, मतलब सुबह का रात को, बट हम लोग खा लेते हैं, तो हमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कभी रात का सुबह खाने के लिए, मतलब सॉरी सुबह का रात को खाने के लिए। तो यहाँ पर बस जो भी गिरा था वो क्लीन कर लूँगी, और डाइनिंग भी क्लीन हो जाएगा सब कुछ। गैस का स्लैब भी क्लीन हो गया है, गैस भी क्लीन हो गया है, डाइनिंग भी क्लीन हो गया है, सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। अभी आराम से रेस्ट कर सकती हूँ मैं, मतलब टेंशन फ्री होके। और अब देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, ऐसे चमकता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे किचन। ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक कांड करके रखा है इन्होंने, ये देखो इसका डोर तोड़ दिया, और बर्फ देखो कितनी जम गई है। अरे बाप रे बाप, क्या करूँ इसका, अभी मैंने ये बंद किया है तो अभी पिघल रही है बर्फ, तो उससे पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आइसक्रीम चलो पिघल जाएंगी। नहीं तो आइसक्रीम भी पिघल जाएगी। तो ये देखो पूरा मेस है फ्रिज, अभी इसे भी क्लीन करना है। मम्मी ने अचार दिया था वो है, ये मम्मी ने बोला था कि चीनी मिट्टी के भरनी में रखना, तो वो उस कंटेनर में रखना पड़ेगा, अभी वो भी क्लीन करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसे अभी एक दिन क्लीन करने के लिए लगेगा, तो वो मैं कर लूँगी बाद आइसक्रीम में। पिघल रही है। बट जो पहले काम था जिसका वो हो गया है ना, बस अभी आइसक्रीम भी पिघल गई ना, मुझे लगा ही हाँ था, देखो आइसक्रीम भी पिघल गई है। चलो निकाल लो जल्दी जल्दी खा लेंगे। आज देखो आज चपटे चपटे का काय दिसते तू, बारिश का मौसम है आज पूरा, थोड़ी देर में आने वाली है बारिश। हाँ कपड़े देख लेंगे ना, देख लेंगे कपड़े को भी। क्या है पप्पा सा? मैं बोला कपड़े बाद में लेना। नहीं नहीं पप्पा वो क्या बोल रहा है उसकी सुनो पहले। पिगी बैंक में पैसे? पिगी बैंक में ऐसा डेली पिगी बैंक में डालने के लिए पैसे देते हैं उसे, अभी उसे आदत हो गई है पिगी बैंक में डालने के लिए पैसे ले। हाँ रुपए दूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी बाहर से क्या क्या सामान लाना है उसको देखना पड़ेगा। हाँ उसके बाद मैं दो 200 रुपए देने का। अरे चल बाय, लव यू। अरे हाँ कुछ लोगों की कमेंट आई थी कल के ब्लॉग पे कि ये क्या जॉब करते हैं, तो बहुत बार मैंने इससे पहले भी बताया है, जो न्यू ज्वाइन हुआ है उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता दूँ कि ये पुलिस है, पुलिस में जॉब करते हैं। देखो ये इस पे ए लिखा है, और माही के इस पे यम लिखा है, डाल दिया। अरे वाह बाप रे, अद्वी कितना भर गया, आवाज़ देखो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अद्वी अद्वी का तो उठाया नहीं जा रहा है मुझसे, और ये देखो अरे सच्ची में ये बहुत हल्का है।
अदवी कभी वहां से भी पैसे डेली जमा करके लाया है ना। अभी अदवी कैसे स्मेल हाँ नहीं वहां से मतलब मेरे मायके से, मायके में भी डेली अप्पा जी को मांगता था उसके, मतलब अप्पा जी मीन्स पापा को। अब मेरा पीएम काटने वाला है। काटने नहीं, पूरा भरने के बाद काटेंगे। काटेंगे हाँ। नहीं बाद और में। वो भी सबके सामने काटेंगे, देखेंगे उसमें कितने पैसे हैं। ठीक है हाँ, गिन इसमें देखेंगे। अब माई के इसमें भी देखेंगे, माई के ज्यादा ही होंगे। अरे दिखा, दो मिनट दिखाओ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चलो रख दो, चलो रख दो। हाँ इसके इसमें पूरा खुर्दा ही है। अरे माई के इसमें पूरे नोट ही है। हाँ 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 कलदार। हाँ अदवी के इसमें पूरे कलदार है। माई के इसमें नोट। चलो रख दो अभी। चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करके ही जाना। आप भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले, उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।